देश में नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी पर जमकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए फंड के प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सूत्रों से पता चला है कि इसके लिए 8700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि एनपीआर का सीएए और एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। अब आइए जानते हैं कि क्या है एनपीआर। एनपीआर का मकसद है बायोमेट्रिक डेटा तैयार कर असली लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। एनपीआर में सभी के लिए अपना नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। किसी एक जगह पर 6 महीने से रहने वाले उन सभी शख्स को इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना ही होगा। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने साल 2010 में एनपीआर बनाने की पहल शुरू की थी। इसके बाद 2011 में हुई जनगणना के पहले इस पर काम किया गया था। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि साल 2021 के जनगणना के दौरान असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनपीआर में लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। इसे 3 चरणों में तैयार किया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर जरूरी आंकड़े जुटाए जाएंगे। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक होगा। इसके बाद तीसरा चरण होगा जिसमें जुटाए गए आंकड़ों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। एनपीआर में हर निवासी को अपना नाम, घर के मुखिया से रिश्ता, पिता का नाम, माता का नाम, राष्ट्रीयता, वर्तमान पता, निवास का समय, स्थानीय आवासीय पता, पेशा और शैक्षणिक योग्यता, ये सभी जानकारियां देनी अनिवार्य होंगी। एनपीआर के तहत मांगी गई ये जानकारियां आमतौर पर सभी के पास है। इससे किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होगी। एनपीआर आम जनता के लिए बेहद जरूरी है। इस रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारी भी नहीं होती। टीम खबर अपडेट।